हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के सूरमा बनने के सफर की शुरुआत आज से 14 साल पहले आज ही के दिन उस समय हुई थी जब शताब्दी एक्सप्रेस में उन्हें गोली लगी थी। आज ही के दिन वह बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद को साबित करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान तक का सफर तय किया और अब हरियाणा के खेल विभाग के मंत्री हैं। हर साल 22 अगस्त को खेल मंत्री संदीप सिंह उस भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी बदौलत उन्हें नया जीवन मिला। इसी कड़ी में आज संदीप सिंह ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के आगे नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की और खुद के लिए आशीर्वाद मांगने की बजाय समाज को कोरोना से बचने का आशीर्वाद भगवान शिव से मांगा। आज के दिन 2006 22 अगस्त को मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, तो मैं हर 22 अगस्त को धार्मिक स्थल में जाकर पूजा करता हूँ। तो आज मुझे सौभाग्य मिला प्राचीन मंदिर में आकर, सबसे प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र जिले का थानेश्वर महादेव मंदिर में, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ महाराज जी हैं और इन्होंने खुद मेरा प्रार्थना सुनी और हमने पूजा की और इन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं भी पहले मांगी। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी जिन्होंने मेरे आज के दिन मेरे लिए 14 साल पहले दुआएं मांगी थी और मुझे पूर्ण रूप से ठीक हुआ, तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से और मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार के लिए।